घर से निकलना पड़ रहा है। पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ है और इस गांव में अभी कोई बच्चा नहीं है। आंगन सुने हैं, घरों के दरवाजों पर ताले लटके, गलियों में कोई चहलकदमी नहीं, फूस के घरों से कोई आवाज नहीं, दूर दूर तक वीराना है। खामोशी की चादर ओढ़े ये गांव बिहार के हैं, लेकिन सवाल ये कि बिहार के इन गांवों में खौफ का सन्नाटा क्यों पसरा है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग अपने घर बार छोड़कर भाग रहे हैं? आखिर इन बुजुर्गों की आंखों में किसकी दहशत है जिसके चलते इन्होंने अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया? इस सन्नाटे के पीछे कौन है? बिहार के इस गांव में सन्नाटे के पीछे वो चमकी बुखार है जिसने इन दिनों हिंदुस्तान के सूबे में कहर बरपा रखा है। बिहार के मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में मौत दबे पांव मासूमों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। घर के चिराग बुझ रहे हैं और जो जिंदा बचे हैं उन पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ गांवों से लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। जो नजर आते हैं उनमें से ज्यादातर या तो बुजुर्ग हैं या फिर अधेड़ उम्र वाले। बिहार की सुशासन वाली सरकार कहां है पता नहीं, बच्चों की मौत लगातार हो रही है मुख्यमंत्री जी। लेकिन इस मंजर की पूरी हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम चमकी बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार के इन गांवों में पहुंची तो जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। गर्मियों का मौसम है और छुट्टियों का वक्त, ऐसे में गांव में मासूमों की किलकारियां गूंजा करती हैं। लेकिन यह गांव पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ है और इस गांव में अभी कोई बच्चा नहीं है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो बचे हैं सिर्फ बड़े हैं और कई तो ऐसे लोग हैं जो गांव छोड़कर चले गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं घर में ताला लटका हुआ है। बिहार के वैशाली जिले का हरिवंशपुर गांव, यहां हरी तो हैं लेकिन गांव के लोगों का वंश तबाह हो गया है। इस गांव के 11 बच्चे काल की भेंट चढ़ गए। बच्चे पहले बीमार पड़े फिर अस्पताल गए और वहां से मौत की आगोश में। मारे गए बच्चों के परिवार वालों को इल्म भी नहीं कि इनके घर के चिराग को कौन सी बीमारी लील गई। इन्हें पता भी नहीं कि डॉक्टर इनके बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए। मालूम है तो बस एक चीज, वो ये कि चमकी से बचना है तो घर छोड़कर भागना होगा। 7 तारीख से ये घटना हो रहा है यहाँ पे। हम लोग कितना आंदोलन किए, ब्लॉक में गए, हाजीपुर गए, डीएम के यहाँ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग रोड घेराव किए तो डॉक्टर 2-3 डॉक्टर आया और आया, दवा थोड़ा बहुत बांट के चला गया। राजेश साहनी अकेले नहीं जिनके घर के बच्चों को चमकी बुखार ने मार डाला और इसकी वजह से इन्होंने परिवार को गाँव से दूर भेजने का फैसला किया, बल्कि चमकी की खौफ के मारे कई और भी है। इस बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि इसने अपने पोते और पोती दोनों को खो दिया।
जिनकी किलकारियों की गूंज से घर की रौनक थी, वही इसे छोड़कर चले गए। अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़ी इस औरत को अपनी नहीं बल्कि अपने बाकी बचे बच्चों की फिक्र है, लिहाजा इसने सबको गांव से बाहर भेज दिया। पोती के मौत हमरा हो गलक, साँझ में खाना पानी भेल 10 बजे रात के, बउआ कहलक दादी खबा हो, हम कहली हाँ खबै तो हमऊ खबै, तो दोनों दादी पोती खैली, खा के जौरे बउआ सुतरल खटिया पर। बिहार के वैशाली जिले के हरिवंशपुर गांव के लोगों में खौफ ने इस कदर घर कर लिया है कि वो एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहते। तो शायद यही वजह है कि ये शख्स भी गांव छोड़कर जा रहा है, ठेले पर सामान लाद रहा है, अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर है। पूछने पर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी लौटूंगा। इंसेफेलाइटिस से लगातार मासूमों की हो रही मौत के बाद गांव में सन्नाटा है और जो लोग गांव में मौजूद हैं वो भी अब धीरे धीरे घर छोड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ताला लटका हुआ है, अभी घर छोड़ने की तैयारी है और यहां ठेले पर सामान रखा हुआ है, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आने वाला है और उसके बाद फिर अपने ठेले पर पूरा सामान तैयार करके रखे हैं और ये यहाँ से निकलने की तैयारी में है। बीमारी की वजह से घर से निकलना पड़ रहा है मजबूरी में। आपके घर में भी कुछ हुआ है? हमको घर में तो नहीं हुआ, पहले हल्ला हुआ तो बाल बच्चा को नहिरा पहुंचा दिए नानीकन, वहाँ से रिटर्न आ रहा है तो किराए पे रूम लेके पट्टा में रह रहे। हरिवंशपुर गांव जैसे सदमे में है, यहाँ खौफ ने डेरा डाल रखा है, ऐसे जैसे किसी प्रेत का साया हो, चमकी बुखार का प्रेत जिसने इस गाँव के मासूमों को अपना निवाला बनाया और अब भी अपना शिकार खोज रहा है, जबकि बेचारे गांव वालों को पता ही नहीं कि ये चमकी है क्या, ये क्या बला है। उन्हें तो सिर्फ ये मालूम है कि उनका घर उजड़ चुका है। दो बच्चा हमरा था, दोनों बच्चा डेट कर गया, वह कौन बीमारी आया हुआ था कौन बीमारी ना, 4 घंटा से 4.5 घंटा के टाइम लगा हमको दोनों बच्चा के डेट करने में। इंसेफेलाइटिस से लगातार हो रही मासूमों की मौत के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं और यह तस्वीर है वैशाली जिले के माझी टोला का, जहां पर मासूमों की लगातार हो रही मौत से लोग दहशत में हैं और कई लोग अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। गलियां सूनी पड़ी हैं, आंगन सूना पड़ा है और घर में रहने वाला कोई नहीं है। सीधे तौर पर लोगों का यह मानना है कि जो घर में बच्चे बचे हुए हैं उनको किसी भी तरह बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाया गया है और आलम यह है कि बड़े लोगों को छोड़कर इस गांव में अब कोई रहने वाला नहीं। पगडंडी के सहारे हम पहुँचे वैशाली जिले के एक और गाँव मांझी टोला। हालात यहाँ भी वही, गाँव में जैसे कर्फ्यू लगा हो, जैसे लोग गायब हो गए, झोपड़ियों में रहने वाला कोई नहीं, घास फूस से बने मकान खाली, मवेशी तो दिख भी जाते हैं लेकिन आदम जात नहीं। न्यूज 18 की टीम मांझी टोला गांव का चक्कर लगा ही रही थी कि तभी हमें साइकिल से जाते एक बुजुर्ग नजर आए। उम्मीद बंधी कि शायद हमसे बात करने वाला कोई हो, इसी आस में आगे बढ़े तो कुछ लोग दिखे जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे तो कुछ चुनिंदा नौजवान। इन बुजुर्गों से बातचीत शुरू की तो चमकी बुखार से फैले डर के उसी साम्राज्य की हकीकत का पता चला जिसने इस गांव को भी वीराने में तब्दील कर दिया। लड़का सब के लेल लगबे करै छी, सियानों के भी डर ले, बच्चा के लेल सबके डर है कि आज हियाँ कल हुआ पियानो लड़का के परसू लड़का। शोभित मांझी ने जो बताया वो 100% सच है, चमकी बुखार ने इस गांव के कई बच्चों को मौत की नींद सुला दिया जिसके बाद यहां के बाशिंदे अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। रामचंद्र मांझी भी इसी खौफ का शिकार है। बुजुर्ग रामचंद्र के 3 बेटे हैं और तीनों का अपना अपना परिवार, लेकिन फिलहाल रामचंद्र घर में अकेले हैं।
चमकी बुखार के डर से इन्होंने अपने तीनों बेटों और उनके परिवारों को यहाँ से दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। हम लोग बर्दाश्त न भेल, हम कैसे, हमारा एक रुपया न है, कोनो काम आगे देवे वाला न है। अब लड़किया के मिला दिली, हम कहीं से चल जो कैसे रक्षा हो। बिहार के वैशाली जिले के मांझी टोला गांव में फिलहाल मातम पसरा है। खौफ ने यहां अपना डेरा जमा रखा है और यहां मौजूद गिने चुने लोग भगवान भरोसे हैं। आसमान में दिखने वाले बादलों की आस में हैं कि कब बादल बरसें और इन्हें इस खौफ से निजात मिले। खौफ के साये में जीने को मजबूर ये वो लोग हैं जिसमें किसी के बेटे की जान चली गई तो किसी की गोद सूनी हो गई। ऐसे में लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, पर सवाल यह उठता है कि आखिर वक्त रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, ताकि ना तो किसी के मासूम की मौत होती और ना ही कोई घर छोड़ने पर मजबूर होता। 2010 से अब तक बिहार में 500 से ज्यादा बच्चे चमकी बुखार का शिकार हो चुके हैं। इस बुखार ने सैकड़ों परिवारों को कभी न भुला देने वाला गम दिया। जबकि बात करें सिर्फ मुजफ्फरपुर की, तो ये जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां इस साल अब तक 100 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। रियाजा न्यूज 18 की टीम ने रुख किया मुजफ्फरपुर के उस गांव का, जहां चमकी बुखार के डर से लोग अपना आशियाना छोड़कर जा चुके हैं। देखिए कैसे इस गांव में सन्नाटा पसरा है, देखिए कैसे कच्चे मकानों के दरवाजों पर ताले हैं, देखिए कैसे इस घर के आंगन में बर्तन भांडे तो हैं लेकिन घर वाले नहीं, सड़कें सूनी हैं और गलियां खामोशी की चादर में लिपटी हुई। इंसेफेलाइटिस से बिहार में लगातार हो रही मौत से लोग दहशत में हैं और सिर्फ मुजफ्फरपुर में अब तक 120 मासूमों की मौत हो चुकी है। मुसहरी इलाके में 4 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद लोग खौफ में हैं और अब इंतज़ार सिर्फ बारिश का कि कब बारिश होगी और लोग थोड़ी राहत की सांस लेंगे। ये बताइए किस प्रकार का डर लग रहा है? डर लग रहा है, जो बच्चे सियाना कुछ नहीं बुझाता है, सबको बीमारी फैलता है, चमकी बुखार हो जाता है और लाइट का साधन नहीं मिलता है। पानी जो है सो सरकार को सप्लाई का पानी गांव में नहीं पहुंच पाता है, इस कारण बीमारी बढ़ रहा है, यही सबको डर बनता है। किस तरह का मन में खौफ है? खौफ इसलिए है कि हॉस्पिटल दूर है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, जाने में दिक्कत है, जब तक जाओ जाते बच्चे रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। मोहम्मद रहमत भी चमकी बुखार के खौफ और इस मर्ज के गम के मारे हैं। इनकी बेटी को इस खतरनाक बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि जब छोड़ा तो उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मोहम्मद रहमत की बेटी रजिया खातून को डॉक्टर भी नहीं बचा पाए, लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि परिवार को यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पटना भेज दिया जाए। 2 बार मामा किया, उसके बाद डेट कर गई 3:30 बजे, उसका रिटर्न लाके दफना दिए। दफनाने के बाद हम लोग 2-4 दिन घर पे रहे, उसके बाद सब परिवार कि हमारी बच्ची बची रहे इसके लिए हम पटना चले गए। जाहिर है बिहार में फील वक्त चमकी बुखार, जिसे कोई AES कह रहा है, कोई जापानी बुखार तो कोई कुछ और, इसने कोहराम मचा रखा है। इस बीमारी से पैदा हुए खौफ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के कई जिलों के गाँव में वीराने ने कब्जा जमा लिया, त्राहिमाम मचा है, लेकिन नीतीश सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मुफलिसी के मारे लोगों का दर्द ना इनका डर। ऐसे में सीधे तौर पर सवाल सरकार के ऊपर उठ रहे हैं कि अगर पहले यह चलाया गया रहता अभियान, लोगों को जागरूक किया गया रहता, तो यह नौबत देखने को नहीं मिलती और इतने मासूमों की जान बिहार से नहीं जाती। तो सवाल यह उठता है कि आखिर राज्य सरकार यह दावा करती है कि इंसेफ्लाइटिस या महामारी से किसी की भी जान नहीं जाएगी, हालांकि यह बीमारी पिछले कई सालों से लगातार बिहार में होते आ रही है,
ऐसे में सरकार की ओर से पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया ताकि यह नौबत नहीं आती और इतने मासूमों की जान नहीं जाती।